अगले सवाल पर आते हैं जो कि केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से है. इसमें बताया गया कंसीडर टू आइडियल डायएटॉमिक गैसेज ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर टी. कहने का मतलब यह है कि जो गैस ए है और गैस बी है दोनों ही डायएटॉमिक गैसेज हैं और आइडियल गैसेज हैं. ठीक. आगे बताया गया मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ए आर रिजिड एंड हैव अ मास एम. मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बी हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड एंड हैव अ मास एम बाई फोर. तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, अगर गैस ए का बात करें और गैस बी का, तो ए का तो आएगा 5. ये रिजिड डायएटॉमिक गैस है, तो रिजिड डायएटॉमिक गैस कैसा होता है? लीनियर होता है ना. तो लीनियर होता है तो इसके 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और 2 रोटेशनल होते हैं. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो एक्चुअली में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काउंट करने के लिए होता है. ठीक. तो इसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो होंगे, जैसे सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये परपेंडिकुलर वाला जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना. एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है. तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगा. ये 0 होने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, है ना. तो डायटोमिक गैस के केस में 2 ही रोटेशनल होता है, जैसे यहां पर वाई और ये जेड बताया मैंने, एक्स डायरेक्शन में नहीं होता. तो 2 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, 5 डिग्री फ्रीडम होते हैं. यही अगर रिजिड नहीं हुआ, रिजिड नहीं हुआ तो एक जो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है. मास से कोई लेना देना नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जस्ट बताता है कि कितने तरीके से कोई गैसियस मॉलिक्यूल अपने पास एनर्जी रख सकता है, कितनी ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, कितनी रोटेशनल हो सकती है, कितनी वाइब्रेशनल हो सकती है. तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो आता है 2. 5 तो पहले से ही है, अगर ये रिजिड है तो भी 5 है, मतलब वाइब्रेशनल नहीं है तो 5 है, वाइब्रेशनल आएगा तो और 2 जुड़ जाएगा, यानी इस केस में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे. तो हमें पता है कि जो सी वी होता है उसको लिखा जाता है एफ आर बाई 2, एफ डिग्री फ्रीडम, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बाई 2, है ना. तो अगर ए के लिए सी वी का वैल्यू निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रखेंगे तो ये आएगा 5R/2. बी के लिए अगर सी वी का वैल्यू निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पर आएगा 7R/2. तो इनका जो रेशियो है, ये रेशियो हमें बताना है. तो देख सकते हैं ये आ जाएगा 5/7. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. ये सेकेंड ऑप्शन जो है ये 5/7 दिया हुआ है, तो ये जो है सही ऑप्शन है.